नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूं कुछ खास। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। आपदा में अवसर, आज हम दिखाएंगे आपदा में किस तरह अवसर लोग ले रहे हैं और किस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और डुप्लीकेसी, ये भी एक आपदा का अवसर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरह आपकी गैस ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, वो भी एक आपदा का अवसर ही इसे कहेंगे। आइए बात करते हैं फल विक्रेता से, जो कि बताएंगे हमें इस समय फल की क्या रेट है। गरीब आदमी, जिस तरह डॉक्टर बताते हैं कि आप फल खाइए, और फल गरीब आदमी से कितना दूर हो चुका है, आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है कमल साहू। कमल साहू भैया, इस समय फलों का रेट क्या है? फलों का रेट इसमें सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है, जैसे सेब है, अनार है, सेब का इसमें स्टोर का। कीवी का क्या रेट? कीवी का सर इस समय रेट बढ़ गया है, पहले 20-25 रुपए की थी, इस समय 40-50 रुपए पीस हो गया है। व्यापारी बताते हैं सर कि माल नहीं आ रहा, पीछे माल ही नहीं, इसलिए महंगा है सर। आपको क्या लगता है? हमको सर महंगा लग रहा है, महंगा कभी बिका नहीं है, आप क्या करें? जो आप मिल रहा भेजना पड़ रहा, पहले हम लोग काफी सर सैलरी से दुकान पे नहीं, सन्नाटा पड़ा है। सेब का क्या है? सेब इस समय 200 रुपए किलो, पहले 150-120 किलो से बिकता था। ये संतरा, संतरा सर पहले तो 50-60 रुपए था, इस समय 150-200 रुपए किलो किला। और ये अंगूर, अंगूर तो सही रेट बिक रहा है, 120 पहले था, अभी अच्छी रेट बिक रही है। बाकी और कौन सा फल बिका हुआ महंगा हो? इस समय सर सिर्फ संतरा और सेब और कीवी, तीन चीज को बढ़ा हुआ, बाकी किसी को ज्यादा बढ़ रही है। किसी जो की डिमांड है या माल नहीं आ रहा, क्या कारण है सर, ये तो व्यापारी। केला, केला सर 50-60 पहले ही बड़ा केला था, 20 बड़ा केला बिकता है। जिस तरह महामारी अपना कहर ढा रही है, लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है, नतीजा लगातार मौतों का बढ़ता ग्राफ जो लगातार दिल को दहला देने वाला है। वहीं कुछ भ्रष्टाचारी लोग जो इस आपदा की घड़ी में भी अवसर ढूंढ रहे हैं कि लोगों को कैसा और किस तरह से लूटा जाए। इस समय सब फल महंगे हैं। ये पपीता, पपीता भी महंगा है, 100 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिकता था, 60 रुपये। कीवी, कीवी 100 रुपये का दो। संतरा, संतरा तुम महंगा बताओ तो फंसोगे, बताना नहीं। हाँ नहीं नहीं, तुम बताओ, महंगा बेचो। अंगूर 120 रुपये किलो, बेचारा महंगा हो गया। नहीं से अभी तो चल रहा है बराबरी पर है, एक महीना से चल रहा है। कौन सा फल महंगे हो गए? कीवी महंगा हुआ, पपीता महंगा हुआ, केला महंगा हुआ है, अनार, सभी फल अनार 100 रुपये का है। हमें फल इस समय महंगा है या सस्ता है? सस्ता भैया का दुकानदार ही नहीं ना, सस्ता मतलब नहीं। नहीं, पपीता क्या भाव है? 50 रुपये। पहले क्या बिकता था? ऐसा ही बिकता था, 40-50। आपकी दुकान में ज़्यादा ही है। चलिए, क्या नाम भैया आपको? नाम बताइए ना। फल महंगे हैं कि नहीं? फल बहुत महंगे। पपीता का भाव? पपीता 60 रुपये किलो है। कीवी, कीवी बहुत ज़्यादा महंगी है, 100 रुपये किलो। हाँ, ये ऐसा नहीं लगता कि आपदा में अवसर रहती है? अभी जिंदगी में इतना महंगा हुआ ही नहीं सामान, जो क्या वजह हो सकती है? एक महामारी फैली हुई है, काला बाजार। एक तो महामारी इतनी फैली हुई है, हर आदमी फल की आवश्यकता, गर्मी में यूँ भी फल की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसे भी अगर आप देख लीजिए कि जब भी आप महामारी का गुणगान करते हैं, ऐसी महामारी का आगमन होता है, फल एकदम महंगे हो जाते हैं। असल बात माल आ भी नहीं रहा, जिनके पास स्टोर है वो लोग वहाँ से ही महंगा बेच रहे हैं, काला बाजारी हो रही है। अब जो भी हो, हम लोग थोड़ा थोड़ा लाते हैं, हम लोगों का काम बेचना है। इसे आपदा में अवसर मिलेगा, इसे आपदा में अवसर कह सकते हैं। हाँ वही, रेडीमेड सिविर हो या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें आप लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं कुछ फलों की। जी हाँ, फल जो हम फलों की, जी हाँ, माने तो पपीता जो 20-25 रुपए किलो बिकता था, वह आज 60-80 रुपए किलो मिल रहा है। जी हाँ, सेब हो, संतरा हो या कीवी हो, सभी का रिकॉर्ड भाव रिकॉर्ड स्तर से बढ़ा हुआ है। ऐसे में इंसान क्या खाए और क्या कमाए। क्या नाम है भैया? राजू। जिस तरह लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं,
फल तो महंगे हो गए, क्या सब्जी को भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, सब्जी का ऐसा कुछ नहीं। गाजर इस समय 20 रुपए किलो मिल रही है। देखिए जैसा गाजर वैसा रेट होता है, जैसे कभी माल ज़्यादा आ जाता तो कोई सस्ता बिकता, जब कम आता है तो कम बिकता है, महंगा रहता है। नींबू, नींबू तो पहले 60 रुपए पाव हो गए थे, 20 रुपए पाव थे। हाँ नहीं नहीं, 50 रुपए पाव था, अब इस टाइम में 30 रुपए पाव हो गए। आपकी दुकान पर होगा, मैंने 70 रुपए 60 रुपए पाव लिया है। अच्छा आपने लिया है तो वो तो तुम्हें गलत है, हमने 50 रुपए 40 रुपए पाव से कम नहीं बेचा है, इस टाइम पर 30 रुपए पाव। नहीं क्या रेट है चुकंदर इस टाइम? हम 30 रुपए किलो बेच रहे हैं। और कभी गुरु किराए रहे सब 20 रुपए का 6 है, 20 का 6, 20 का 7। कहते हैं कि फलों पर ज़्यादा असर पड़ा हो, लेकिन सब्जियां अभी जो कि तो बिक रही है। चलिए बात करते हैं, कहीं और आपदा का अवसर देखते हैं। तो वहीं अगर हम सब्जियों की बात करें अब तो नींबू को छोड़कर लगातार सब्जियों का भाव कुछ ठीक ही ठाक बताया जा रहा है। तो पेश है उदित राज न्यूज़ से वरिष्ठ पत्रकार भरत भूषण के साथ कैमरामैन दानिश कुरैशी की खास रिपोर्ट, देखते रहिए उदित राज न्यूज़। क्या नाम है आपका? संजय कोहली। सर क्या खरीदने आए आप? भैया मैं फल लेकर आया हूँ थोड़ा। वो चीज ले रहे जल्दी, पहले गाड़ी साइड को सबसे पहला का। ये बता ये नहीं, वो फल इस समय क्या ये आपदा में अवसर नहीं? सबसे पहला का अवसर तो फल ही में देख रहे हैं। मैं तो छोटे हर चीज में अवसर लोगों को मिल गया। कोई चीज ऐसी मार्केट में नहीं है जो ग्लव से लेके कोई भी आइटम, छोटी आइटम ले लीजिए, सैनिटाइजर ले लीजिए, कोई ले लीजिए, सब ने मौके मिल के सब ने पैसे, मतलब 20 से 30% लोगों ने रेट बढ़ाई दिए हैं। ये तो फल बहुत छोटी चीज है, आदमी सोता विटामिन सी के चक्कर में ले ले, किसके ले ले, मगर हर चीज़ बढ़ी हुई है, कोई सस्ता नहीं है। बहुत दिक्कत आने वाले समय में हो जाएगी लोगों को, खासकर गरीबों को। बाजार का दावा अक्सर होता रहा है कि ऑक्सीजन हमने भरपूर भर दिया है। कल उनके क्या बोलते हैं मेडिकल अफसर का, मेडिकल मिनिस्टर का बयान था कि कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मर रहा है, क्या कहेंगे इसमें? तो जितने मेरे जान पहचान के मिल रहे हैं पूछ रहे, किसी को बेड नहीं मिल रहा, सुबह फोन आ रहे घर पे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दिए, गैस दिला दिए, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पैर से मजबूर है कि हम लोग कहीं कुछ करके मदद ही नहीं कर पा रहे, ना जा पा रहे, ना कुछ कल को हमारे घर कुछ हो जाए हम किसी का हेल्प ही नहीं कर पाए, ना कोई हमारी कर पाएगा। आज समझ आ गया, कोई दूसरे घर जाने तैयारी नहीं है। ये आपदा का अवसर ही कहेंगे? ये आपदा का अवसर है और ये समय खराब है कि आदमी की जो सिचुएशन है या किसी भी एक आदमी की प्रिपरेशन है वो इतनी प्रिपरेशन है नहीं, हमारे पास सिस्टम ही बन पाए कि हम पूरी कम्युनिटी को कैटर कर पाए, 50% कर पाए, 20% कर पाए। आदमी ये भी सोचे नहीं था ये आपदा है और आपदा में बड़ी मुश्किल से किस पे सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि शाबाशी भी कहूँगा, मगर उनके पास भी हालात, उनके वो भी मजबूर है, उनके वो भी मजबूर है बिकॉज पॉपुलेशन इज सच अ बिग फैक्टर। ये थी हमारी रिपोर्ट आपदा में। आपका तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात, फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ।